असलम यू आर लिसनिंग मोहम्मद हाशमी एंड वेलकम टू एम एच कंप्यूटर अकेडमी सो इफ यू लाइक माई वर्क यू कैन हेल्प मी कंटिन्यू टीचिंग बाय क्लिकिंग द लाइक बटन बाय लिविंग अ कमेंट एंड शेयरिंग दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर टू डेज टॉपिक सो मल्टी डायमेंशनल एरे इन सी प्लस प्लस सबसे पहले हमने वन डायमेंशन एरे को अंडरस्टैंड किया अब मल्टी डायमेंशन एरे की तरफ हमने मूव करना है सो मल्टी डायमेंशन एरे का जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि आपके पास एक रो होती है और एक कॉलम होता है जिस तरह हमने सिंगल जो वन डायमेंशन एरे था उसके अंदर देखा था कि आपके पास या तो एक रो होगी या आपके पास एक कॉलम होगा इन दोनों में से कोई एक चीज होगी लेकिन जो हमारे पास मल्टी डायमेंशन इसमें इसमें हमारे पास एक रो और एक कॉलम लाजमी होंगे सो आप देखिए ये हमारे पास रो को रिप्रेजेंट कर रही है जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो हमारे पास रोज होती हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं कॉलम अब देखिए रो वन रो टू रो थ्री और ये क्या है कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर कॉलम फाइव सो अब हम इसको देखते हैं के मल्टी डायमेंशन एरे आर आल्सो नाउन एज एरे ऑफ एरे द डाटा इन मल्टी डायमेंशन एरे इज स्टोर्ड इन अ टेबुलर फॉर्म एज शोन इन द डायग्राम यानी एक टेबल की फॉर्म में डाटा जो है वो स्टोर होगा जिस तरह आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स भी तो इस, इसी तरह के होते हैं ना उसके अंदर एक रो होती है और एक कॉलम होता है यानी एक सीरीज जो है रो की होती है एक कॉलम की होती है सो so, अगर आपने मेट्रिस बनाने हैं उनको मल्टीप्लाई करना है सम करना है तो वो भी आप मल्टी डायमेंशन एरे से ही कर सकते हैं अ टू डायमेंशन एरे अब हमारे पास दो होती हैं एक टू डायमेंशन एरे होता है और एक जो है ना थ्री डायमेंशन एरे होता है सो टू डायमेंशन एरे में क्या होता है इंट एरे और यहाँ पर आपने लिखना है टू एंड थ्री अब ये क्या है? ये लेंथ है अब फर्स्ट वाला जो ये लेंथ हमने लिखी है ये किसके लिए ये नंबर ऑफ रोज़ के लिए है और ये क्या है नंबर ऑफ लेंथ के लिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं तो हम क्या करेंगे हम जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने नंबर आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे सो दिस हैज टोटल टू को मल्टीप्लाई करना है थ्री से और जवाब जो, जो है वो हमारे पास सिक्स यानी हमारे पास सिक्स एलिमेंट्स होंगे और उसके बाद है थ्री डायमेंशन एरे सो so, इसको भी लिखने का मेथड वही सेम है जिस तरह हमने टू डायमेंशन एरे को लिखा लेकिन इसमें एक डायमेंशन जो है वो बढ़ जाएगी सो दिस एरे हैज़ टोटल अब जिस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके अंदर इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे जो भी इनकी लेंथ होंगी तो हम उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे सो so, अब हम डिस्कस करते हैं टू डायमेंशन एरे को लेट्स सी हाउ टू डिक्लेयर इनिशलाइज एंड एक्सेस टू डायमेंशन एलिमेंट्स सो so, हम किस तरह इनको एक्सेस कर सकते हैं हाउ टू डिक्लेयर अ टू डायमेंशन एरे सो टू डायमेंशन एरे को हमने प्रीवियस भी देखा कि इसको हम किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं सो इंट एरे ये डाटा टाइप ये एरे यानी आइडेंटिफायर उसके बाद यहाँ पे हम इसकी लेंथ लिखेंगे ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है और ये जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है अब इनिशलाइजेशन वी कैन इनिशलाइज द एरे इन मैनी वेज नंबर वन मैथड जो मैथड वन है इसका वो ये है कि हम यहाँ पे इसको इनिशलाइज कर दें यानी यहाँ पे एरे के अंदर जो है वैल्यूज बाय डिफॉल्ट यानी इसको हम प्रोवाइड कर दें यूजर जो है वो खुद ब खुद इसको प्रोवाइड कर दे वैल्यूज़ बजाय किसी और यूजर से एंटर करवाने के आप खुद ही इसको वैल्यूज असाइन कर दें सो इंट एरे और जिस तरह आपने इसको लिखा वैसे लिख देना है और यहाँ पे इक्वल लिखना है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान आपने सिक्स एलिमेंट्स यानी सिक्स नंबर आपने यहाँ पे लिखने हैं इसको मल्टीप्लाई करना है थ्री मल्टीप्लाई बाई टू तो ये क्या बनेगा सिक्स तो सिक्स यहाँ पे आपने नंबर लिख देना है लेकिन यहाँ पे आपने कोमा लाजमी देना है और अगर यहाँ पे होता थ्री मल्टीप्लाई बाई थ्री तो ये हमारे पास क्या आता नाइन तो फिर यहाँ पे आप नाइन एलिमेंट या नंबर लिखते सो so, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकेंड मैथड क्या है तो सेकेंड मैथड इन दिस वे ऑफ इनिशलाइजेशन इज प्रेफर्ड एज यू कैन विजुलाइज द रोज एंड कॉलम्स हेयर यानी इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर आप रोज और कॉलम्स को ईजीली विजुलाइज कर सकते हैं सो so, इसको लिखने का मैथड जो है वो इस तरह है कि इंट एरे टू एंड थ्री अब टू एंड थ्री को मल्टीप्लाई करें कितना आता है सिक्स लेकिन यहाँ पर देखें हमने थ्री थ्री को डिवाइड कर दिया है अब ये मेरे पास क्या है रो नंबर वन और ये क्या है रो नंबर टू और इस तरह अगर देखें तो कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री ठीक है अब ये कितने मेरे पास हैं दो रोज़ हैं और तीन क्या हैं कॉलम्स हैं अब हम इनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं तो ये हमारे पास है कि एरे का नेम यहाँ पे आ, एरे का नेम ए डबल आर ए वाई हो या यहाँ पे नेम एरे हो या ए डबल आर हो जो भी हो सो जीरो वन अब ये जीरो वन से क्या मुराद है यानी फर्स्ट ज़ीरो रो और जीरो कॉलम सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट यानी टेन आ जाएगा उसके बाद क्या है जीरो रो और फर्स्ट कॉलम अब आपने देखना ये है कि ये कौन सा है तो हमारे पास एलेवन आ जाएगा फिर जीरो रो और सेकेंड कॉलम तो ये हमारे पास क्या आएगा ट्वेल्व उसके बाद वन रो अब ये रो नंबर वन है ना हमारे पास ये जीरो रो है और ये वन रो है आप इसमें जो है ना इसको एरे की जो इंडेक्सिंग है वो आप वन से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है लेकिन फिर भी जो इसका एक मेथड है यूज़ करने का वो यही है कि इसकी इंडेक्सिंग जो है वो आप ज़ीरो से स्टार्ट करें तो यहाँ पे वन रो और ज़ीरो कॉलम वन रो एंड वन कॉलम वन रो एंड सेकेंड कॉलम तो इस तरह ये नंबर्स आते जाएंगे सो so गायज़ अब हम टू डायमेंशन एरे को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं सो so उसके लिए सबसे पहले आपने डेफ सी प्लस प्लस को ओपन कर लेना है तो so यहाँ पे मैंने डेब सी प्लस को ओपन कर रखा है सो so यहाँ पे हम टू डायमेंशन एरे को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह आप टू डायमेंशन एरे को यूज़ कर सकते हैं सो so जो लास्ट मैथड जो था मैथड नंबर टू जिसको हम ज़्यादा uh, मतलब यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करते हुए मैं आपको टू डायमेंशन एरे समझाता हूँ सो यहाँ पर आप लिखेंगे एंट ए डबल आर और यहाँ पे लिखेंगे इसकी लेंथ टू और सेकंड डायमेंशन जो है वो थ्री इसकी लेंथ कितनी है थ्री इक्वल टू अब यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट्स देनी है और कर्ली ब्रैकेट्स देने के बाद फिर आपने एक और कर्ली ब्रैकेट्स देनी है उसके बाद क्या करना है आपने एक कोमा देना है यहाँ पर और उसके बाद आपने क्या करना है एक और कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है ठीक है अगर आप चाहें तो इसको नीचे भी ला सकते हैं इस तरह अब यहाँ पे आपने क्या करना है वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देना है अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेन उसके बाद कॉमा उसके बाद अलेवन कोमा एंड ट्वेल्व तीन नंबर ये आ गए हमारे पास उसके बाद मैं लिखता हूँ ट्वेंटी कोमा ट्वेंटी वन कोमा ट्वेंटी टू सो ये हमारे पास क्या है हमने एरे को इनिशलाइज करवा दिया है सो एरे को इनिशलाइज करवाने के बाद आपने क्या करना है इसके बाद आपने यहाँ पे एक लूप लगानी है सो यहाँ पे हम फार्लूप लिखेंगे और इसको इनिशलाइज कराएंगे एंट आई इज इक्वल टू जीरो हमने इसको शिलास करवाया जीरो से और इसकी अब देखें हमारे पास ये दो हैं यानी एक रो है और एक कॉलम है जब हमारे पास दो चीज़ें हो यानी एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए हो तो हम दो फालूब लेंगे फर्स्ट फालूब हमेशा नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए होगी और सेकंड फालूब जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होगी और जितने भी पैटर्न होते हैं वो आप इन्हीं टू डायमेंशन एरे की हेल्प से ही परफॉर्म कर सकते हैं सो पैटर्न की सीरीज़ उसके भी मैंने प्ले बना रखी है तो आप वो भी मेरे चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं सो so, यहाँ पे मैं लिखूंगा int i इज़ लेस देन टू और उसके बाद क्या होगा i प्लस प्लस ठीक है ये यह मैंने यहाँ पे लिख दिया उसके बाद इसकी ब्रैकेट स्टार्ट उसके बाद दोबारा मैं फॉलूप लूंगा और इसको इनचलाइज करवाऊंगा ज़ीरो से int j इज़ equal टू जीरो एंड j इज़ लेस देन थ्री एंड j प्लस प्लस ठीक है ये लिख दिया आपने अब ये लिखने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे सी आउट करवाना है अब सी आउट करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सी आउट और उसके बाद यहाँ आप डबल कोटेशन देंगे यानी एर एरे जो नेम है एरे का और उसके बाद आप क्या लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद क्या करेंगे आप दोबारा इंजर्शन ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आई यानी जो हमारे पास आई की वैल्यू हो ये फर्स्ट रो और फिर आगे हम कॉलम के लिए लिखेंगे सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे जे ताकि जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट करें एरे ऑफ आई एंड एरे ऑफ जे सो ये आपने यहाँ पे लिख देना है अब ये क्या होगा जो इंडेक्स होगा इनका जो इंडेक्स बनेगा उसके ऊपर आपको रिजल्ट शो करवाते जाएंगे एंडल सो गाइज हमने इसको कम्प्लीटली लिख लिया है अब हम इसको कम्पाइल रन करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं सो so, गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम रन हुआ अब यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका इंडेक्स आई यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ जीरो और यहाँ पे क्या होगा जीरो 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 पर क्या पड़ा है हमारे पास टेन है ये यह देखिए यहाँ पे टेन शो करवा रहा है उसके बाद फिर यहाँ पे जीरो है ना यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा जब तक यहाँ से नहीं निकलेगा इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं होगा अब यहाँ क्या, हो 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 तो क्या, हो तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा जब जीरो वन होगा तो हमारे पास क्या स्टोर होगा नेक्स्ट नंबर अलेवन फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा फिर ये क्या हो जाएगा टू तो जीरो टू ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट नंबर ट्वेल्व उसके बाद जब इसकी बॉडी से निकलेगा आप जब इसकी वैल्यू थ्री होगी तो ये क्या हो जाएगी लूप टर्मिनेट हो जाएगी तो यहाँ नेक्स्ट लूप में आएगा और आउटर लूप के अंदर जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा आई की वैल्यू सो so, यहाँ पे आई इज इक्ल टू वन हो जाएगा सो so, यहाँ पे क्या आ गया एरे ऑफ वन यानी ये हमने लिखा आई और यहाँ पर लिखा जे तो इस तरह हमें ये आउटपुट शो करवा देगा सो so, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अस्सलाम असल व बरकातहू